गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GSS स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का संपादकीय है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है अतीत की भूलों के भयानक नतीजे। मतलब पिछले अतीत का मतलब होता है इतिहास, जो समय बीत चुका है, जिसे आप भूतकाल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इतिहास में या बीते समय में हमने क्या गलतियां की हैं जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और इसे लिखा आर विक्रम सिंह जी ने। तो चलते हैं आगे। 1962 के बाद लद्दाख की पहाड़ियों पर युद्ध के बादल एक बार फिर घूमने लगे हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो आज इस एडिटोरियल को यहाँ पे लिखने का जो उद्देश्य है, जो बताने का उद्देश्य है, जैसा कि आप जान रहे, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से चाइना और भारत के सैनिक 100 मीटर की दूर पर आमने सामने हैं, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त युद्ध की स्थिति हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो किस तरह से मास्को में चीन के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से वहाँ पे खास बातचीत कर रहे हैं, कि जिस वजह से आपसी किसी प्रकार का टकराव ना हो। और वहाँ पे इस प्रकार की नीति अपनाई जा रही है कि एक सहमति बने उसके पास, उसके बाद चीज़ें व्यवस्थित करें। आप अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहें, भारत अपने सैनिकों को करेगा, अन्यथा तटस्थता उसी तरह बनी रहेगी। इसका एक कारण तो अहंकारी चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति है, और दूसरा आज़ादी के बाद के हमारे नेतृत्व की भयानक भूलें। तिब्बत को स्वायत्त शासी बफर राज्य बनाए रखना ब्रिटिश शासन की नीति थी, और उसी दृष्टि से उसने 1914 का त्रिपक्षीय सीमा समझौता किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी अहंकारी नीति है। 1949 में जब ये आज़ाद हुआ, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट उसने साम्यवादी को अपनाया, हमने लोकतंत्र को अपनाया। पर दोस्तों, अतीत में कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जिस वजह से आज जो चाइना की नीति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और जो भी उसके पड़ोसी देश हैं वो उसकी चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। किस प्रकार से अपने सीमा का विस्तार उनके देश में, फिर उनके देश से दूसरे देश में लेकर चला जा रहा है। और इसका जो ताज़ा उदाहरण है दोस्तों, तिब्बत को लेकर चल सकते हैं। तो एक बफर जोन का मतलब होता है वो किसी को न मिलाना, एक बफर स्टेट, एक बफर कंट्री के रूप में उसे खड़ा किया गया था तिब्बत को। पर दोस्तों, ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तिब्बत भौगोलिक, चाहे कहें राजनीतिक, कहें चाहे आर्थिक रूप से अन्य देशों से, अन्य राज्यों से भिन्न था, इसीलिए उसे बफर स्टेट में रखा गया। पर दोस्तों, ज़रूरत थी उसे स्वायत्त नहीं करने की। यदि कोई मजबूत देश के वो नियंत्रण में होता, तो जिस तरह से वहाँ के बौद्धिस्टों को, वहाँ के नागरिकों को कुचला गया, वहाँ पे हत्याएं हुई, मतलब इतने निर्मम तरीके से वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की गई, जो लोग आंदोलन में सक्रिय थे वो कहें कि मैं घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने देश में, ये पूरी तरह से जो हमारा तिब्बत है वो पूरी तरह से बौद्धिस्टों का है, ठीक है। तो इसे एक तरह से वो अकॉर्डिंग टू अपने रिलीजन के अनुसार वो देश मान रहे थे, पर चीनी दखलंदाजी की वजह से जिस किसी ने भी वहाँ विरोध किया, सबकी हत्याएं कर दी गईं, सबका गला घोट दिया गया, और उसके बाद दलाई लामा से वहाँ से बच निकले। तो ये गलती किसकी थी? ब्रिटेन की थी। हैं, सब बेवकूफ़ी लोग तो थे। बोलो, तुम लंदन में बैठ कर यहाँ के विषयों पर अपना निर्णय दे रहे हो। अंग्रेज़ कभी नहीं आए थे ये देखने के लिए नहीं कि यदि मैं एक नए स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान को यदि बना रहा हूँ तो वहाँ से लाइन कैसा होगा। बस पुराना मैप उनके पास था, देखें कि हाँ इतना भाग जा रहा है, वहाँ से लाइन चला दिए कलम से। उसके बाद अधिकारी गण आए, बोले कि भैया, लंदन के जो लोग बैठे हैं ब्रिटेन में, वो ऐसे लाइन चलाए हैं, ये क्षेत्र पाकिस्तान का हो गया। तो मतलब किस अमानवीय तरीके से जो चाहा उसमें फेरबदल किया,
मतलब जो मन में आया वो किया, भारत जैसे अखंड भारत को जहाँ से चाह वहाँ से बांट दिया, और पूर्वी पाकिस्तान कर दो जो आज बांग्लादेश के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसमें आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा दोस्तों पाकिस्तान के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान इसको माना जाता, तो जो असल में अभी पाकिस्तान है वहाँ से लोग शासन करने आते थे बांग्लादेश में, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पर आपसी झगड़ा डिप्लोमेसी के तहत उसे उससे अलग करके बांग्लादेश नाम दे दिया गया, जो हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक और राष्ट्रीय स्तर की जीत थी, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना गया। लेकिन नेहरू ने चीन के प्रति नीति बदल दी। आपको पता है भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन, और जो पाकिस्तान और भारत की रेखा उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक, चीन में अक्टूबर 1949 में माओ सत्ता में आ गए, और 1950 में चीनी सेना कोरिया में अमेरिका के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ी। ठीक, इसके साथ ही चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए सेनाएं रवाना कर दी। वे सेनाएं हमारे अक्साई चीन के एक पुराने अविकसित मार्ग से होते हुए तिब्बत पहुंची। अब देखिए हमारे सरजमी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे आज फिर कर रही हैं, जो पीओके है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे देश ने अवैध रूप से हमारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, वो विवादित ज़मीन है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर किसी प्रकार का जवाब न दे, तब तक आप उस पर निर्माण संबंधी कार्य नहीं कर सकते। और देख सकते हैं आप चाइना जैसा देश किस प्रकार से उसमें, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका निर्माण कर रहा, कोई भी इसे रोकने नहीं गया, सारी चीज़ें चल रही हैं। चीनी आक्रमण के जिस मार्ग को विश्व ने जाना, उसे हमने न जानने ने का नाटक किया। ब्रिगेडियर दलवी अपनी पुस्तक हिमाचल ब्लंडर में लिखते हैं, अक्टूबर 1950 की बात है, एक दिन अचानक जनरल लेंटेन उद्दिगन होकर लेक्चर हॉल में आए और कहा, तुम्हारे नेताओं की अकर मर्यादा के कारण चीन ने भारत के उत्तर में आज एक बड़ा दरवाज़ा खोल लिया है, तुम्हारी मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी इसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। यह मानना कि भारत सरकार को अक्साई चीन में बन रही सड़क की जानकारी नहीं थी, स्वीकार नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इतिहास में जो गलतियाँ की गई हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि कांग्रेस की उस दौरान सरकारें थीं, और कांग्रेस को इसकी जानकारी भी थी। जो अक्साई चीन का भाग है दोस्तों, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, उसको चाइना ने हथिया लिया है, और इस पर कभी भी किसी प्रकार का कांग्रेस ने बयान भी नहीं दिया। और मैं हैरान तब हो जाता हूँ जब राजीव फाउंडेशन को चाइना से करोड़ों रुपए का वित्तीय मदद मिलता है। आखिर क्या कारण है कि एक राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक संगठन को जब वो पैसा देती हो, तो इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। आखिर क्या वजह है इसकी, जो है कि जाँच होनी चाहिए। ED, CBI, SIT सारी चीज़ें गठित करके इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी, देश के सामने सारी जानकारियाँ सामने आए हैं कि ये आरोप गलत तरीके से लगाया जा रहा है, कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है इसकी वास्तविकता क्या है, सारी चीज़ें जानने की आपको, हमें देशवासियों को आवश्यकता है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी तमाम तरह की गलतियाँ हुई हैं, जो हमारी भूमि थी उसको किस प्रकार से हमारे शत्रु देशों ने अधिग्रहण कर लिया, और हमारे भारत जैसे देश ने कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गुहार तक नहीं लगाई, और आज उसी का परिणाम है कि आज फिर दावा ठोक रहा है। पर मैं एक चीज़ को आपके सामने रख दूं, मुझे गर्व है उस डिसीज़न पे। कुछ साल पहले आपको याद होगा जब डोकलाम का मुद्दा हुआ था, तो डोकलाम मुद्दे पर कितना गर्माजोशी हुई थी, ऐसा लगा कि भारत और चाइना के बीच युद्ध हो सकती है 1962 की तरह। पर दोस्तों इतनी कूटनीति तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर जिस तरह से उसकी निंदा की भारत ने, उसी निंदा की वजह से वो पीछे हट गया, और भारत ने आपसी जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर लोहा मनवाया कि भारत विदेश कुछ है जो खुले तौर पर चुनौती दे सकता है चाइना जैसे देश को, उसका मुकाबला कर सकता है। सीमा क्षेत्र के हालात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामान्यतः प्रधानमंत्री को प्रेषित होती है। अक्साई चीन
चीन में बन रही सड़क की फोटो और रिपोर्ट नेहरू को प्रस्तुत की नहीं गई हो, यह संभव है, लेकिन नेहरू के लिए अक्साई चीन ऐसा पथरीला इलाका था जहां घास का तिनका तक नहीं उगता। तब चीन कोरिया युद्ध में फंसा था, उस समय उसे भारत की ओर से अक्साई चीन छोड़ देने की एक चेतावनी भी पर्याप्त होती। हमारी एयरफोर्स इतनी सक्षम तो थी कि चीन को सड़क का काम रोकना पड़ता, पर वह सड़क बनाने दी गई क्योंकि नेहरू चीन को साथ देकर एशिया फॉर एशियंस अर्थात एशिया एशिया वालों के लिए जैसा दिशा स्वप्न देख रहे थे। तो आप ही बताइए मित्रों, एक व्यक्तिगत व्यवहारिक समझिए, यदि आपकी कोई ज़मीन हो, बेशक वो उपजाऊ ना हो, वो छोटी है, पर ये तो कभी नहीं आप कह सकते इस दौरान कि उसकी उपयोगिता कभी नहीं होगी। कोई ज़रूरी है कि जहाँ पर मान लीजिए अनाज नहीं उग रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वहाँ पे अन्य चीज़ें भी संभव हैं। वहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। भविष्य में तमाम तरह के द्वार खुलेंगे, तमाम तरह की योजनाएं भी बना सकते हैं उस ज़मीन को लेकर। ठीक उसी तरह आप व्यक्तिगत समझिएगा, जिस तरह से हमने गलतियाँ की हैं, नहीं ये तो पथरीली है, अरे ये तो बहुत दूर दराज है, इसके लिए तो मार्ग भी बनाना पड़ेगा, करोड़ों अरबों लग जाएगा, वहाँ पर जाना कैसे होगा संभव। इन सारी गलतियों की वजह से आज हमारा ये हाल है कि जगह जगह मतलब ऐसे छिटपुट छिटपुट करके तमाम जगहों पर चौकियों का निर्माण कर दी चाइना, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही अपनी चौकियों को और भारत की सीमा में काफ़ी अंदर तक घुस गई। और आज जब हम जागरूक हुए हैं, चीज़ों को जान चुके हैं, तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें समय लगेगा, पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, तो उस पर आपको उधर पुधर की बात नहीं करना चाहिए, जैसे आज कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को साथ देना चाहिए, क्या मतलब है, कह रही है कि अरे चाइना घुस गया है, चाइना ये कर गया, तो उसके लिए क्या करे, भारत जैसा देश युद्ध की स्थिति बना दे, युद्ध कर ले, मान के चलिएगा। और इस चीज़ को याद रखिएगा, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का निदान युद्ध करना ही नहीं है, कुछ समस्याएं आपसी वैचारिक बातचीत से भी आगे बढ़ सकती हैं। अन्यथा दोस्तों युद्ध की स्थिति, अगर युद्ध हो गया ना, तो जो लोग चिल्ला रहे हैं युद्ध हो जाने, एक्चुअली में वो अपने परिवार के लिए भी बोझ हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई क्रांति हो, कोई बदलाव, फिर हम अपना दिशा और जगह तय करें, क्योंकि इस समाज में मेरा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ों का निवारण होता है। आपका ही कोई मित्र हो, कोई दुश्मन हो, कोई ज़रूरी है कि आप जाके उससे व्यक्तिगत फिजिकली फाइटिंग करने लगें, फिर आपकी पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, कानून क्या मतलब है, सारी लड़ाइयाँ जब आप अपने से ही लड़ लेंगे। उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहाँ पे अपनी समस्याएं कहेंगे, अन्य देशों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको युद्ध करने की स्थिति नहीं है, बल्कि सारे देश बायकट कर देंगे, जिस तरह से उसके एप्लीकेशंस का बायकट कर रहे हैं, अन्य देशों में उसकी साख बिगड़ती जा रही कि चाइना एक ऐसा देश है जो सारे देशों को पूरी तरह से जकड़ रहा, आर्थिक झांसा देकर, किस तरह से उनके ज़मीन को हथिया रहा, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। 1957 में उस सड़क का उद्घाटन हुआ, विश्वभर में समाचार फैला, तो हमारे नेतृत्व ने भी चकित होने का ड्रामा किया। हमारे नेतृत्व द्वारा तिब्बत को स्वायत्त शासी राज्य के स्थान पर चीन के आधिपत्य का प्रदेश मानने का परिणाम यह हुआ कि तिब्बत से भारत के जो भी परंपरागत सीमा व्यापार सांस्कृतिक समझौते हुए थे, वे सब अर्थहीन हो गए। यदि तिब्बत चीन का प्रदेश था, तो एक प्रदेश को तो दूसरे देश से समझौतों का अधिकार ही नहीं होता। वास्तव में हमारे ढुलमुलपन के कारण चीन के लिए मैकमोहन लाइन और लद्दाख की परंपरागत सीमा रेखाओं को अस्वीकार करना आसान हो गया। यही सब कारण है कि आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, समस्याएं देखिए सुलझेंगी पर थोड़ी जटिल हो चुकी हैं, थोड़ा समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। अभी आप एक बित्ता दो बित्ते की मैं बात करूं, गांव में देखते हैं एक दो फुट की ज़मीन हो, उस पर किसी बाहरी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है, झोपड़ियों का निर्माण या फिर अपने संपत्ति में होने का दावा कर रहा, तो उसी ज़मीन को लेने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपने पहले जागरूकता नहीं दिखा उस ज़मीन को लेकर
किसी प्रकार की घेरेबंदी नहीं किया। यदि आपने उसे घेराबंदी करवा दिया होता या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण आपने करवा दिया होता तो एक रेखा होती, एक जो है आइडेंटिफिकेशन होता, नहीं फला व्यक्ति ने इसका कुछ किया है, यहाँ पे दीवारें उठाई हैं। तो ऐसे में हस्तक्षेप किसी की में दम नहीं है, पर जब कोई देखता है परती जमीन है, किसी का कोई मतलब नहीं, तो उसमें इंसान एक बार प्रयास करता है कि उसको हड़प लिया जाए। तो वही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ ऐसे भी मित्रगण हैं जो ये बार बार पूछते हैं कि सर जब इंटरव्यू होता है, जिसे आप हिंदी में साक्षात्कार के नाम से संबोधित करते हैं, तो उसमें पूछा क्या जाता है? आप लोग पढ़िए, पर यदि आप बार बार इस प्रश्न को फेस कर रहे हैं तो इसे जानने का अधिकार आपको पूरी तरह से है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परिवार के सदस्य होंगे जो, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस के बारे में जानते हैं, यूपीएससी पीसीएस के बारे में जानते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये अगर कोई आपसे पूछे तो जानते हैं मोस्टली कौन से क्वेश्चन लोग पूछते हैं ज़्यादातर एक लोग, और ये इंटरव्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसे बहुत लोग ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा घुमा देने वाला। पर याद रखिएगा, ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है या आपके परसेप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते क्या हैं और सोचने के आधार पर आप बोलेंगे क्या। तो ज़्यादातर यही होता है कि पहले लोग पूछते हैं आप अपने बारे में कुछ बताइए। जो इंटरव्यूअर होता है वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसे 30 मिनट तक आपके साथ बैठना है। 30 मिनट का इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, तो वो सोचते हैं आपके साथ बने रहने के लिए आप ही कुछ प्रश्नों का सुझाव दें हमें। जब आप अपने बारे में बताएंगे तो जो सामने वाला है, जो कम से कम 10,000 इंटरव्यू ले चुका है, जो पहले से आईएएस आईपीएस या प्रोफेसर हो सकता है, उस 5 पैनल में, मतलब एक पैनल में जो पैनल बनाया जाता है उसमें 5 सदस्य होते हैं, तो वो जान जाएगा कि आप में कितनी कुवत है, आपका निर्णय क्षमता क्या है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, व्हाई डू यू नॉट बिकम लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, अदर कुछ भी क्यों नहीं बनना चाहते। इसका कहने का मतलब आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते, क्यों नहीं कुछ और बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, सीबीआई में कुछ बने, एसएससी के थ्रू तमाम तरह की पोस्टें हैं उसमें बने। तो इसका चयन आपको सावधानी पूर्वक देना पड़ेगा। पहला प्रश्न तो ये कर सकता है। दूसरा देखिए, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, और ये किसी भी भाग में आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे लोग पूछ सकते हैं, हम आपका चयन क्यों करें। मतलब देखिए, जब प्राइवेट संस्था के नौकरियों में भी आप जाते हैं इंटरव्यू, तो वो सीधे पूछते हैं हम आपको अपने कंपनी में क्यों रखें, क्यों बताइए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी आपके पास आइडिया हो आप बताने का प्रयास करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मैं कल का जो भी वीडियो होगा उसमें आपको बताऊँगा। पर इन दोनों प्रश्नों के मुझे उत्तर चाहिए कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है कि हम आपको क्यों रखें, मतलब हम आपको क्यों ये नौकरी दें आईएएस की। ये बहुत आप गंभीरता से सोचिएगा, और व्यवहारिक बहुत बड़ा लंबा उत्तर नहीं है, आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा उत्तर मैं बताइएगा कि जिसका मैं भी समझ ना पाऊँ, आप जो कहना चाहते हैं वो समझा ना पाएँ, ठीक है। प्रयास करिएगा। वो भारत चीन सीमा हो गई, फिर पंचशील जैसा आदर्शवादी समझौता कर तिब्बत में जो भी हमारे अधिकार थे वे सब छोड़ दिए गए। सोचिए, एक पंचशील समझौता हुआ था 1954 में चाइना और भारत के साथ, और एक तरह से हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। आज वही कारण कि दोस्तों तिब्बत पूरी तरह से चाइना के नियंत्रण में आ गया, और वहाँ पे लूट मार खसूट किया जा रहा है, क्योंकि जो तिब्बत की जिम्मेदारी थी असल में वास्तविक में भारत जैसे देश को दी गई थी, क्योंकि वो 1947 चीन से पहले ही आज़ाद हो चुका था, पर हमने एक ऐसे प्रेमी राष्ट्र स्टेट को छोड़ दिया, और एक जानवर के सामने, जैसे नहीं होता एक भेड़िए के सामने एक बकरी के मेमने को रख दिया जाए, वही हमने किया, चाहते तो हम बचा सकते थे। तिब्बत की प्रताड़ना प्रारंभ हो गई। एक अध्ययन के अनुसार शांतिपूर्ति तिब्बती भिक्षुओं और लामाओं सहित करीब 1,08,000 तिब्बती मारे गए। सोचिए, उस समय इतनी जनसंख्या अपने आप में मायने रखती है,
एक छोटा सा तिब्बत का स्वायत्त स्टेट, और उसमें 1,00,000 तिब्बती मारे गए। ओ भगवान, नहीं सॉरी, 1,08,000 तिब्बती मारे गए। 6,000 मोनेस्ट्री ध्वस्त की गई। आचार्य कृपलानी ने 1954 के पंचशील समझौते पर कहा था कि यह समझौता एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी सहमति के पाप से उत्पन्न होगा। 1962 का युद्ध 20 अक्टूबर को प्रारंभ होता है। इसके पहले 3 अक्टूबर को चीन से थागला राज रिज खाली करने के मुद्दे पर जनरल थापर से नेहरू कहते हैं कि हमारी इस कार्रवाई पर चीन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। 12 अक्टूबर को उनका यह था कि सेनाएं चीनियों से अपना इलाका खाली करवाएंगी। वो मानते रहे कि चीन बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उस समय शीत युद्ध के चलते दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान अमेरिका खेमे में शामिल हो गया। 1959 के बाद परिस्थितियां हमें बड़ी तेज़ी से 2 मोर्चों पर युद्ध की दिशा में ले जा रही थीं, पर हम सपनों में थे। ऐसे हालात के बावजूद नेहरू राष्ट्रीय सुरक्षा को हाशिए पर छोड़ विश्व शांति की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे थे। विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए देश जापान, जर्मनी, फ्रांस प्राणपण से विकास में लगे थे, और हम आदर्शवादी गुणनिरपेक्ष नीति को लेकर मुग्ध थे। 1962 की पराजय के बाद हम अकेले पड़ गए। हमारी ओर से एक भी देश नहीं बोला। गुटनिरपेक्षता की असलियत सामने आ गई। गुटनिरपेक्षता का मतलब थोड़ा हम बता दें आपको। गुट का मतलब हुआ एक दल, एक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का था, और निरपेक्ष का मतलब जानते हैं क्या है? मतलब किसी एक देश हो, विचारधारा हो, श्रेय न देना। मतलब गुट निरपेक्ष, हम सारे जो भी गुट हैं, दल हैं, सबका जो है सेवा से सद्भाव करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, पर हम व्यक्तिगत रूप से किसी एक गुट दल को समर्थन नहीं देते हैं। कि असलियत सामने आ गई। दलाई लामा अपनी पुस्तक फ्रीडम इन एक्साइल में लिखते हैं, 1962 के बाद नेहरू ने उनके समक्ष स्वयं स्वीकार किया था कि हम मूर्खों की दुनिया में रह रहे थे। दरअसल समाधान की सोच का अभाव एक बड़ी समस्या थी। अहिंसक विचारधारा समस्याओं का समाधान तुष्टीकरण और विभाजन में देखती है। तिब्बत समस्या चीन के तुष्टीकरण की नीति का परिणाम थी। समाधान तो यह था कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ संयुक्त रूप से तिब्बत को स्वतंत्र देश स्वीकार कर सैन्य सहायता दी जाती। कोरियन युद्ध में व्यस्त चीन के लिए बहुत कुछ कर पाना संभव न होता। तिब्बत के लिए भी कोरिया की तरह शांति सेनाएँ भेजी जा सकती थीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा हम थे। स्पष्ट सैन्य समाधान के विकल्प के बावजूद कश्मीर विवाद को अनिस्तारित रखकर हमने स्वयं 2 मोर्चे बना लिए थे, चाहे कश्मीर समस्या हो या चीन तिब्बत की समस्या। यह नेहरू की नीतिगत पक्षघात का परिणाम है। चीन से उत्तरी सीमा पर युद्ध की स्थिति ही न बनती। यदि पूर्व की ब्रिटिश शासन की तिब्बत संबंधी नीतियों और शीत युद्ध के दौर की जमीनी सत्ता शक्ति के समीकरण को संतुलित करते हुए राष्ट्र हित के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई होती, ऐसा न करने के घातक परिणाम हुए। पर यह 1962 नहीं है। गलवान के बलिदान से न्याय उतार ले चुकी भारतीय सेना द्वारा 29-30 अगस्त की रात लद्दाख में कई चोटियों पर कब्जा कर क्षेत्रीय वर्चस्व कायम करना चीन के लिए अकल्पनीय है। चीन सीमा पर 50,000 सेनाएं, मिसाइलें, रॉकेट, टैंक बढ़ा रहा है। चीन प्रत्याक्रमण पर भारतीय प्रतिक्रिया चुसूल सेक्टर में स्थानीय युद्ध में बदल सकती है। युद्ध की आशंका के बाद भी संतोष की बात यह है कि भारत अब नेहरू वाला भारत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।